अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इर्तजा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, अभी हम मैक्स पावर इन्वर्टर 5 किलोवाट मॉडल इन्फिनी V2 की अनबॉक्सिंग करते हैं। जी मेरे दोस्तों, मेरे चैनल ITS को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि मेरी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलें जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी मेरे दोस्तों, ये देखें जी, ये मैक्स पावर का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसकी कम्युनिकेशन केबल्स हैं। ये इसकी VGA केबल है जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं। ये भी इसकी जो है एक और कम्युनिकेशन केबल है, ये USB टाइप केबल है ये वाली। इसको भी हम जो है ना ये कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसका सारे पैरामीटर वगैरह, सारी स्पेसिफिकेशन हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये इसके जो है ना वारंटी क्लेम है ये इसके वारंटी क्लेम है। अब इसके अंदर से जो मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका यूज़र मैनुअल है। और ये इसका जो है ना ये क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस प्लान है इसका। ये इसके सॉफ्टवेयर की CD है जी ये वाली। और ये इसका वारंटी कार्ड है जी ये वाला। देखिए जी, 18 मंथ की जो है ना इसकी वारंटी है जी मेरे दोस्तों। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें नज़र आई है, ये ऑन ग्रेड सिस्टम है। इसको हम ऑन ग्रेड और ऑफ ग्रेड दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको नेट मीटरिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस 5 किलोवाट के मैक्स पावर के इन्वर्टर को। अभी मैं आपको मुकम्मल इसका रिव्यू दूँगा। अभी हम इसके ऊपर से छप्पर वगैरह उतारते हैं। और ये देखें जी, आपको एंटी डस्ट फिल्टर भी नज़र आ रहा है साइड पे। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है मैक्स पावर की। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये देखें जी, ये इसकी फंक्शन डिस्प्ले कीज़ हैं ये वाली सामने। ये इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है। इसके ऊपर अप का बटन है, डाउन का बटन है, एंटर का बटन है और एस्केप का बटन है। साथ इंडिकेशन लाइट्स भी हैं। ये देखें जी, इसका लोगो है मैक्स पावर का जी मेरे दोस्तों। ये देखें जी, ये एंटी डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। ये 2020 मॉडल में इन्होंने फ़िल्टर वगैरह दिया है। यहाँ से स्क्रू को हम खोल के इसकी जो है हम इसकी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये दूसरी साइड पे भी ये फ़िल्टर लगा हुआ है। इसको भी हम इसी तरह इसी स्क्रू को खोल के हम इसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। और इस फिल्टर की हमें एवरी मंथ क्लीनिंग करनी चाहिए। और ये मैक्स पावर वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसके ऊपर ना डस्ट फिल्टर लगा के। इससे हमें जो ना ब्लो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ जी। जी मेरे दोस्तों, ये देखें जी, ये इसकी AC इनपुट है जहाँ पे हमने वापटा देनी है। ये AC आउटपुट है जहाँ पे हमने आउटपुट लेनी है। ये इनपुट ब्रेकर है 220 वोल्ट का जहाँ पे फ्यूज लगा होता है। ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट है जो मैंने आपको केबलें दिखाई हैं। अभी मैं आपको केबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली केबल आपने इधर अटैच करनी है ये वाली। ये USB केबल है ये वाली। ये आपने जो है इसके ऊपर ये नीचे इन्वर्टर के नीचे साइड पे जो मैंने आपको पोर्ट दिखाई है यहाँ पे आपने अटैच करनी है। और इसको आगे आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करना है। इसके साथ जो है ना आप इसकी जो है ना ऑनलाइन जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके पैरामीटर वगैरह, इसकी जो है ना इस मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये एक दूसरी केबल है, ये इथरनेट है और इथरनेट VGA केबल है। ये इथरनेट की केबल आपने यहाँ पर लगानी है, यहाँ पे लगा के। और दूसरी साइड इसकी जो है ना आपने लैपटॉप के साथ लगानी है या अपने PC के साथ लगानी है। लगा के जो है ना आप इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। ये PV इनपुट है, यहाँ पे सोलर की केबलें लगनी है। ये देखें जी, ये वाली जो है ना ये आप बैटरी की केबलें भी साथ लगनी है। ये इसकी जो है ना पावर का ऑन ऑफ बटन है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी पावर को। बैटरी की केबलें, बैटरी के पॉइंट भी आपने DC इनपुट देख सकते हैं। ये सामने लिखा भी हुआ है DC इनपुट जी मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको मैक्स पावर 5 किलोवाट इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन का रिव्यू दे देता हूं जी। ये देखें जी, ये मेड इन चाइना है, चाइना का बना हुआ है। ये मैक्स पावर का इन्फिनी V2 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये PV इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है, ये AC इनपुट है, ये जो है बैटरी की डिटेल है।
ये देखें जी, ये पीवी इनपुट है इसकी जो है ना, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है ना इसको 360 वोल्ट डीसी है। इसके पीवी इनपुट रेंज जो है ना इसकी 120 से लेकर 450 वोल्ट डीसी है। एमपीपीटी रेंज 225 से लेकर 430 वोल्ट डीसी तक है। मैक्सिमम जो है ना हम इसके साथ 5000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। और ये इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। और इस मैक्स पावर इन्फिनी V2 5 किलोवाट के इन्वर्टर को हम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको नेट मीटरिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेट मीटरिंग के बारे में बताऊंगा। जी मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल ITS को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले बटन को भी दबा लें, ताकि नेक्स्ट मैं जो भी टेक्निकल वीडियो बनाने वाला हूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।